सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे एजेंसी में देवो के देव और बालवीर जैसे हिट हिट शो देने के बाद आपने ओ को चुना और ओ टी भी आके आप काफ़ी धमाल मचा रहे हो मैंने प्रोमो देखा बहुत प्यारा लगा मुझे प्रोमो थैंक यू सो मच मैं चाहूँगा आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा क्या जर्नी रही सो so एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा जैसे कि सब जानते हैं कि मैं एक मटर्निटी ब्रेक के बाद पहली बार ये फर्स्ट मेरा जो कम uh, था यही था फर्स्ट uh, शो जो मैंने किया वो यही था तो uh, मैं जैसे ही uh, हम बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद जब आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो आप थोड़े से नर्वस होते हैं तो मैं भी uh, अपने मेटर्निटी ब्रेक के बाद में जब uh, ये शो करने के लिए जा रही थी तो आई वॉज लिटिल कॉन्शियस लिटिल नर्वस अबाउट माई लुक्स एंड फिगर एंड एवरी बट आई मस्ट से जो टीम थी इतनी अच्छी थी uh, मेरे को एक्टर्स इतने अच्छे थे निशांत uh, को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी एवरीबडी मेड मी फील सो कम्फर्टेबल सो गोड अबाउट माई सेल्फ कि मैं कॉन्फिडेंटली ये किरदार कर पाई और uh, मुझे याद है कि आज भी मैंने अपने प्रोड्यूसर को उस टाइम मेरी जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें मैंने बोला था कि मैम आपको लगता है आपने जो मुझे ब्रीफ दिया है वो मैं कर पाऊँगी येस येस कर लोगी तो मैंने कहा ओके सो दे ऑल मेड मी फील सो कम्फर्टेबल सो गुड अबाउट माई सेल्फ कि यू नो शूट के साथ साथ मैं बच्ची संभाल रही थी मेरी बच्ची बहुत छोटी थी मैं बच्ची संभाल रही थी मैं वर्कआउट्स कर रही थी uh, इन सब चीज़ों के साथ साथ काम कर रही थी तो uh, मुझे पता नहीं कैसे सब फ्लो में होता चला गया सब कुछ चीज़ें सही जगह पर सही टाइम पर होती चली गई सब कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था ऐसा लगता है शायद भगवान चाहते हैं कि उस टाइम पर मैं ये शो करूँ so uh, yeah it was so much fun and I'm really excited and really happy that Jori is releasing today जी uh, मैं uh, मैं जानना चाहूँगा आपसे जब आपको इसका ऑफर आया तो आपकी क्या रिएक्शन था मतलब आप सिंगल मदर हो एक uh, मेरी बच्ची को संभालूँ या मैं ड्रेसरीज़ करूँ या मैं सो करूँ किस तरह का आपका क्या राय क्या था so काम मुझे करना ही था ये मैंने <laughs> सोच लिया था कि मुझे uh, सो so, काम मुझे करना ही था मैंने इस पहले ही सोच लिया था कि मुझे अब काम स्टार्ट करना है लेकिन इस तरह करूँगी ओ से स्टार्ट करूँगी मेरा कम एक ओ की वेब सीरीज़ होगी ये सब मैंने नहीं सोचा था तो ये सब आई थिंक सब प्लान था ऊपर से भगवान ने मेरे लिए प्लान करके रखा था कि सब ऐसे ही होगा तो जब ये मैंने इसका जब स्क्रिप्ट पहली बार सुनी तो मुझे लगा कि ये जो किरदार है तनी का ये किरदार आज तक मैंने अपने पंद्रह साल में जितने भी आ, सीरियल्स किए हैं जितना भी काम किया है उन सबसे बिल्कुल अलग है क्योंकि आज तक जो मैंने किरदार किए वो एक यू you नो know, अबला नारी की या वो जो कॉटन की साड़ियाँ ग्लिसरिंग लेके जो मैं यू you नो know, जो एक नॉर्मल बहू का किरदार होता है सीरियल्स में उस तरह के किरदार किए हैं लेकिन जब मैंने ये किरदार सुना यहाँ पे तनी जो है एक आ, तनी इज़ फुल ऑफ़ स्टाइल एलिगेंस कॉन्फिडेंट लड़की है जिसने अपने पति को भी खड़ा किया है uh, उसने यू uh, नो you know, एक हमारे हम कहावत है जो बोलते हैं कि uh, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो यहाँ पे नीरज बोधी के पीछे तनी का हाथ है जो तनी ने नीरज बोधी को uh, वो कहते हैं कि शी मेड हिम दैट वे कि ही कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी वन ही कैन स्टैंड अगेंस्ट एनी वन तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो तनी ने दिया है और तनी ही उसकी ज़िंदगी में फेम और यू नो स्टाइल लेकर आई है उसने ट्रांसफॉर्म किया है नीरज को uh, तो ये इस तरह की कहानी थी और मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ समथिंग जो मैंने पहले कभी नहीं किया है एंड दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई रियली वॉन्ट डू इट तो बस क्योंकि ये एक मैसेज भी है हर एक उस औरत के लिए जो एक यू एक, नो uh, you know, एक पत्नी है एक uh, एम्बिशियस लड़की भी है और जिसके कुछ सपने भी हैं और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है तो कहीं कई बार ऐसा होता है कि हर एक औरत को ना कुछ चुनना पड़ता है या तो पति या काम ये हर उस औरत के लिए एक मैसेज है कि आप दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो तो आपको अपने सपनों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आप यू नो you know, आप दोनों साथ में एक, एक रिश्ता वही होता है कि एक पति और पत्नी साथ में ग्रो करें तो वो मैसेज uh, है इसमें और आई थिंक दैट्स दैट रियली अट्रैक्टेड मी कहानी भी बहुत प्यारा है मैंने देखा प्रोमो पूरा जौहरी पूरा हीरे की हीरे की कहानी है और कहानी हाँ है। जी आप से मैं जानना चाहूँगा मैम आप जब सेट पे थे शूटिंग पे थे तो आप अपने बच्चे को लेकर जाते थे वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मैं लेके जाती थी और उसके लिए मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने द मेड एवरीथिंग सो कम्फर्टेबल एंड सो इजी फॉर मी क्योंकि मैं अपनी बच्ची मैं सीन करती थी और जाके अपनी बच्ची को मिल सकती थी और इस तरह से यू नो दोनों चीज़ें मैनेज हो रही थी तो मैंने बोला ना आपको तीन इसके साथ साथ मैं वर्कआउट भी कर रही थी तो मुझे इतना टाइम भी मिल रहा था तो ये जब मैंने वेब सीरीज़ किया तो मुझे लगा कि अरे इससे सब इतना इजी कैसे हो गया क्योंकि इससे पहले जब मैंने टीवी सीरियल्स किए जब मैंने काम किया तो आपके पास सांस आप जानते हैं कि टीवी सीरियल अगर आप करते हैं तो आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती फैमिली संभालना तो बहुत दूर की बात है

Uh, उसको मैं सब बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है मैं मेरे मेरे कैसे स्ट्रगल्स रहे हैं क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि वो एक इंडिपेंडेंट लड़की बने वो इमोशनली uh, फाइनेंशियली हर तरह से एक इंडिपेंडेंट लड़की हो और स्ट्रॉग uh, बच्ची है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है uh, क्योंकि वो इतने घंटे अगर वो कुछ अपनी माँ के बिना मैनेज कर पा रही है तो आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको एक बहुत अच्छा ह्यूमन बींग बनाना चाहती हूँ एक ऐसा इंसान बनाना चाहती हूँ कि आ, वो लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो हिम्मत से उसके साथ लड़ जाए और आ, बहुत <coughs> beautifully उसे, बहुत ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली उससे बाहर आए मैम आपसे मैं आप जानना चाहूंगा आपका एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है जिसमें आप काफ़ी इमोशनल नजर आ रही हो और आज के जमाने में मुंबई जैसे बिग सिटी पर ऐसे लोग मिल जाते हैं कि एक लड़की को घर देने से पहले पूछते आपके हस्बैंड हैं या नहीं हाँ बिल्कुल ये मेरे लिए भी काफी हार्ट ब्रोकन था क्योंकि जब मैंने ये सुना तो मुझे धक्का लगा मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया मैंने दो बार उनसे पूछा कि सॉरी आपने क्या कहा यू you नो know, क्योंकि मुझे लगा कि ये कैसे ये कैसा कैसी बात है ये करने वाली कि आज हम ट्वेंटी सेंचुरी में हैं जहाँ पे एक औरत सब कुछ कर रही है वो काम भी कर रही है वो घर भी संभाल रही है वो वो एक साथ दस चीजें कर रही है अपने सपनों को पूरा कर रही है तो वहाँ पर कई घरों में ऐसा है कि जो औरत है वो हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही है और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड्स घर पे होते हैं और औरत बाहर जाके कमा रही होती है तो ये कैसा सवाल है कि आपके घर में मर्द नहीं है तो आपको घर नहीं मिलेगा यू नो you know? तो ये सुन के मुझे भी काफ़ी धक्का मिला जी, uh, any message, uh, audience? और खास uh, ऐसे मकान मालिकों को मकान मालिक नहीं जो ये सोसाइटी की कमिटी है यू नो मेरे मकान मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं था वो इसीलिए मैं वहाँ पर सोसाइटी मीटिंग के लिए गई थी बट ये सोच को ही मैं सही नहीं मानती हूँ ये सोच ही गलत है इस तरह की सोच होना आज के ज़माने में जहाँ पर आ, मुझे लगता है कि एक औरत किसी भी हाल में किसी भी तरह से एक आदमी से कहीं कम नहीं है तो वहाँ पर इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है Uh, तो ऐसे सभी लोगों को मैं बस कहना चाहूँगी कि uh, ये तो मैं हूँ कि मैं अपनी हिम्मत मेरी हिम्मत नहीं टूटी है मैं uh, क्योंकि uh, मैं अब ठोकरे खा के इतना स्ट्रांग हो गई हूँ कि अब जल्दी से हिम्मत टूटती नहीं है लेकिन मेरी जगह कोई और लड़की होती कोई और सिंगल मदर होती जो इतने सारे स्ट्रगल्स कर रही है इतनी मुश्किल से अपने बच्चे को पाल रही है और उससे अगर इस तरह की बातें की जाए तो अगर वो टूट गई ना तो तो क्या बाकी रह जाएगा आई I मीन mean, uh, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की हिम्मत किसी की उम्मीद तोड़ने से बड़ा पाप और कुछ नहीं होता थैंक यू